उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के तत्वावधान में मनरेगा कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया तथा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मानव संसाधन नीति के अंतर्गत विभाग द्वारा 18 नवंबर को आयुक्त द्वारा रिमाइंडर शासन को भेजा जा चुका है, जो 4 विभागों के कार्य जोड़ने थे, परंतु सिर्फ प्रधानमंत्री आवास व मुख्यमंत्री आवास की जियो टैगिंग के कार्य ही जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सेवकों से ही मूल ग्राम पंचायतों के साथ साथ स्थित ग्राम पंचायतों में भी कार्य लिए जाए तथा ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित करते हुए कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस अवसर पर उपाध्यक्ष कैलाश पति विश्वकर्मा, संयुक्त मंत्री अनिल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्रताप सिंह सोनू, जिलाध्यक्ष गोरखपुर ग्राम रोजगार सेवक संघ। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे जनपद से, सारे 20 ब्लॉक से हम भाई जी आर एस बन इकट्ठा होकर यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम सर के द्वारा संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन व मांग पत्र दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग पूरे जनपद में, यह कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में 75 जनपद में कराया जा रहा है प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर। और अगर जो शासन हम लोगों की सुधि इस ज्ञापन और संज्ञान कार्यक्रम से नहीं लिया तो आगे हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी अभी एडीएम मित्र राजेश सर जी द्वारा आकर हम लोग, अंजनी कुमार सिंह जी द्वारा आकर हम लोगों का सम्मान ज्ञापन कार्यक्रम लिया गया और आश्वासन दिया गया कि आप लोगों द्वारा दिया गया मांग पत्र हम समय शासन तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उससे अपेक्षित जो वहां से आश्वासन मिलेगा या जो कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा, जिसके क्रम में हम लोगों ने सर को ज्ञापन दिया और हम लोगों को आश्वासन मिला। और आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जनपद और प्रदेश और ब्लॉक स्तर पर हम लोगों की बहुत सारी सी समस्याएं हैं और बहुत हम लोगों की पीड़ा है, लेकिन उन पीड़ा को, उन कार्यक्रम को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग भी खून पसीना बहा के दिन रात अपनी ग्राम पंचायत में अथक परिश्रम करके हम लोग अपना कार्यक्रम, अपनी जो योगदान है नौकरी का, दायित्व का निर्वहन करते रहते हैं, लेकिन उसके अनुरूप आधा क्या कहा जाए, चौथाई भी पीड़ा हम लोगों की कोई समझने वाला नहीं है। इस बात का बहुत बड़ा कष्ट है।